ऑपरेटिंग थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको ऑपरेटिंग में यहाँ क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से टाइमर सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पल्स मोड मिल जाता है, कंटिन्यूस मोड, आप पल्स मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मैन केबल लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसकी हम ऑपरेटिंग करेंगे, पहले मैन स्विच को ऑन कर देंगे, एक यहाँ पर, यहाँ से मैन स्विच को ऑन कर देंगे। तो दोस्तों मैन स्विच ऑन हो गया है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको टाइमर मिल रहा है, टाइमर वैसे 10 मिनट ऑलरेडी सेट है इसमें, और यहाँ से आपको स्पीड मिल रही है, तो हम 10 मिनट ही रखेंगे। अब प्रोग्राम हमें सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम यहाँ पे हम कर सकते हैं पल्स P3 HL, P1 P2 P3 HL, तो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह की मूवमेंट मिलेगी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम P1 पे करेंगे सिलेक्ट और स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मशीन स्टार्ट हो गई है, तो मैं आप इसको किसी को आपको इस पर खड़ा करके दिखाता हूँ, तो स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से पेशेंट को आपको खड़ा करना है, जो जिसको भी आपको देना है, और मशीन का स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब आप देख पा रहे हैं, और स्पीड आपको बढ़ानी है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं जितनी स्पीड आप चाहते हैं, और दोनों हैंडल को आपको पकड़ के रखना है, जो हैंडल के ऊपर आपको सेंसर भी मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यूज करनी है मशीन। तो दोस्तों डेमो कंप्लीट होता है, थैंक यू।